हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस के अंडरस्ट्री। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है 27 जुलाई 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल ऑफ गैलोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन से ए ICICI बैंक ने, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक ने, ऑप्शन सी HDFC बैंक ने और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक ने। तो प्रश्न संख्या एक का जो सही जवाब होगा, हाल ही में महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या दो है कि हाल ही में किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से क्रिस्टन माइकल, ऑप्शन बी माइकल मार्टिन, ऑप्शन सी एडन जैक्सन और ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। प्रश्न संख्या दो, हाल ही में एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टन माइकल को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या दो का सही जवाब ऑप्शन ए क्रिस्टन माइकल। प्रश्न संख्या तीन है कि हाल ही में किसके द्वारा ग्राम उद्देश्य संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन से पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय। प्रश्न संख्या चार है कि हाल ही में किसने दोबारा NEET UG 2024 की परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन से सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय ने और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है, क्योंकि नीट के जो पेपर हुआ थे उसमें काफ़ी पेपर लीक हुआ था, इसलिए नीट के जो परीक्षार्थी थे वो दोबारा एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रश्न संख्या पाँच है कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन से 82वां, ऑप्शन बी 94वां, ऑप्शन सी 100वां और ऑप्शन डी 95वां। तो प्रश्न संख्या पाँच, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या छः, किसने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन से केंद्र सरकार ने, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने और ऑप्शन डी सभी ने। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या सात है कि विश्व के सबसे ऊंची सुरंग सुनुकला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन से ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या जो सात है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सुनुकला टनल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या आठ, एक पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया। ऑप्शन से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, ऑप्शन सी मोइतमस और ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर। प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोइतमस। प्रश्न संख्या नौ है, किस राजवंश ने मोइतमस का निर्माण किया था। ऑप्शन से गुप्त वंश ने, ऑप्शन बी मौर्य वंश ने, ऑप्शन सी अहोम ने और ऑप्शन डी चोल ने।
प्रश्न संख्या जो 9 है कि किस राजवंश ने मोहदमस का निर्माण किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अहोम ने। प्रश्न संख्या 10 है कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जुलाई को, ऑप्शन बी 26 जुलाई को, ऑप्शन सी 27 जुलाई को और ऑप्शन डी 28 जुलाई को। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन बी 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने कारगिल युद्ध जीता था जो 1999-2000 में हुई थी। ऑप्शन से 11 प्रश्न है 11 कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी भारत। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 12 हाल ही में जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की NDA की सरकार है और यहाँ के जो राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर हैं। बिहार विधानसभा जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो नंद किशोर यादव हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी बिहार। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने TB मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किसने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। ऑप्शन सी तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी मेघालय ने और ऑप्शन डी तेलंगाना ने। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 16 के हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नीता अंबानी, ऑप्शन सी अजयंक अंबानी, अंजिंक नाइक और ऑप्शन डी अरुण वंशल। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी अजयंक नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 17 के हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नीता अंबानी, ऑप्शन सी अजयंक नाइक और ऑप्शन डी रहाब अल्लाना को। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन डी रहाब अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में कौन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख हुए हैं। ऑप्शन ए क्रिस्टन माइकल, ऑप्शन बी माइकल मार्टिन, ऑप्शन सी एडन जैक्सन और ऑप्शन डी रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन डी रोनाल्ड एल रोवे जूनियर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 के हाल ही में किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन सी इजराइल।
संख्या 20 के हाल ही में नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन से तमिलनाडु में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी गोवा में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन सी गोवा में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को लॉन्च किया है। वर्तमान में जो भारतीय नौसेना है उसके जो प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। प्रश्न संख्या 21 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शन से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नीता अंबानी, ऑप्शन सी विभूति भूषण और ऑप्शन डी अरुण बंसल। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन बी नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से निर्वाचित किया गया है, मतलब चुना गया है सदस्य के रूप में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 27 जुलाई 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज एक और करेंट अफेयर्स है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो T20I सीरीज शुरू हो रही है आज ही 27 जुलाई 2024 को दम्बुला में भारत और श्रीलंका के बीच 7:00 PM पहला T20I खेला जाएगा जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव और श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की कप्तानी चरित असलंका कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जबकि भारत के जो हेड कोच नियुक्त हुए हैं गौतम गंभीर, यह इनकी पहली सीरीज है जो श्रीलंका में आज से 27 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।